पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्चे के साथ दूसरे गांव के दो लड़कों द्वारा कुकर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने बाड़मेर के पुलिस थाना सदर में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है और सदर पुलिस थानाधिकारी अनिल कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से SC ST एवं पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इस मामले में जिस नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म हुआ है उसके बाद आरोपी दो लड़कों ने उस नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करते हुए का वीडियो भी बनाए और उसको वीडियो को भी वायरल किए। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पहले उस नाबालिग बच्चे का बयान सुनाते हैं और उसके बाद पुलिस का क्या कहना है ये पूरी बात हम आपको सुनाते हैं। मतलब कि हूँ पैसा देने जाओ तो ठीक है, पैसा देने पास आओ तो बीजों दिन फोन किया कि इतना आनो पैसा चलते हैं। 3-4 दिन पहले धमके देने शुरू किए थे कि ना आनो नड़को मैं थाना बात करें इकट्ठो करी हूँ क्यों को नहीं तो मैंने कहा कि जो रनिंग में देखियो तो ना ठोकी पोन मारी पोन खबीड़ नौकी ने एक सांगारा में उसको ठीक है उसको भवानी सिंह ने मार के मतलब कि काट दिया। उसके जैसा मैं तेरा हल कर दूंगा ना धमके देने लगा ना मेरे पापा के पास फोन आया कि आपका लड़का कहाँ आपको वो भेजो नहीं तो आपको भी काट के दे देंगे ना। मेरे भाई के पास फोन आया कि मेरे भाई की शादी है तू भी आ जा। सभी को मैं पूरी फैमिली को डराया और फिर मैं रानी गाँव गया वहाँ पर मेरे को बुलाया। मैंने सोचा कोई बात होगी वहाँ पर ले जाकर कहाँ कहीं नेत्रा है शादी है वहाँ पर चलना है। मैंने कहा ठीक है चलते वहाँ पर ले जाकर अपने रूम में मुझे कहा कि मैं मतलब कपड़े लेके आता हूँ अपने घर से तुम भी साथ में चल लो। मैं ठीक है वहाँ पर ले जाकर अपने खेत में एक रूम है उसके अंदर ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। कितने लोग थे? दो लोग रविंद्र सिंह और कमल सिंह रानी गाँव के। पुलिस में रिपोर्ट दिया आपने? हाँ दिया। उन्होंने कहा कि मतलब कि लड़कियों के नंबर दो नहीं तो एक और लड़का है जाट है ठीक है उसको भी बुला के ले आने तो तेरे साथ बलात्कार करेंगे और लड़कियों को भी नंबर दो नहीं तेरे साथ बलात्कार करेंगे। मैंने कहा नहीं। कितनी बार उन लोगों ने आपका इस तरीके से किया? दो बार। कब कब किया? 13 तारीख को 19 तारीख को। और भी धमकी दी आपको? हाँ धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो मार के डाल दूंगा। वीडियो कुछ बनाया? वीडियो वायरल? हाँ वीडियो दो वीडियो बनाए मेरे। किसने बनाए कितने बार में? पहले रविंद्र सिंह ने बनाया फिर बाद में कमल सिंह ने बनाए। क्या सब रिपोर्ट दिया? नाबालिग के पिता इन्होंने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट पर हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और प्रकरण एट्रोसिटी SC ST Act IT Act और पॉक्सो में दर्ज किया और श्रीमान डिप्टी साहब बाड़मेर के तफ्तीश सुपुर्द की गई है। सर मेडिकल वगैरह करवाया गया है क्या? प्रथम दृष्टया क्या सामने आया सर? वीडियो भी वायरल हुआ? वीडियो वायरल वो तो अभी मैंने देखा नहीं है लेकिन परिवादी ने पीड़ित ने बताया इस प्रकार का कि भाई मेरे साथ में कोई ज़बरदस्ती कोई दो लड़कों ने कर्म किया और मेरा वीडियो बनाया और इस आधार पर ये थाने पर आए इसका प्रकरण दर्ज कर लिया गया मेडिकल के लिए उनको भिजवा दिया गया हमें।